अस्सलाम वालेकुम, आतिफ बंगश अपनी 34th एपिसोड के साथ। और आज हम क्योंकि पिछली एपिसोड में जो हमने एक सिलसिला शुरू किया था SEO के हवाले से और हाउ टू ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट, तो इस चीज़ को हम आगे लेके चल रहे हैं। अब इसको हम देखते हैं कि कितनी आगे एपिसोड्स में हम इसको कवर कर सकते हैं, क्या 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 चीज़ हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। और इसमें जैसे हमने लास्ट एपिसोड में भी कहा था, सबसे अहम चीज़ जो होती है वो आपका SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और ये जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप टूल सीख लेने से ही आप SEO एक्सपर्ट बन जाएं, लेकिन इसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, आपको हिट एंड ट्रायल्स भी चाहिए होते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स, क्योंकि गूगल जो है वो अपनी जो एल्गोरिदम्स हैं, जो अपनी सर्चिंग पैटर्न्स हैं, उनको चेंज करता रहता है, जिससे आपकी जो पोजिशनिंग है आपकी वेबसाइट की कीवर्ड्स के हवाले से वो अप एंड डाउन होती जाती है। तो इसीलिए ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जब आप इन हाउस SEO एक्सपर्ट्स अपने पास हायर करते हैं या फिर आप आउटसोर्स करते हैं किसी SEO एक्सपर्ट कंपनी को कि वो आपकी जो कंटेंट है उसको अच्छे पोजीशन पे रखे गूगल पे या दूसरे सर्च इंजन्स पे। तो इसमें बहुत सारी अब हम शुरू कर रहे हैं SEO को इन डेप्थ देखने के लिए कि उसमें क्या कुछ हो सकता है। उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि अब उसमें जो अगर हम देखें तो सबसे पहले कुछ ऐसे टूल्स आपको अवेलेबल होंगे जो कि कीवर्ड सर्च टूल्स होते हैं, कीवर्ड सर्च टूल्स होते हैं, फिर उसके बाद ऑन पेज सर्च टूल्स हैं, वो अलग हैं, उनकी नॉलेज और आपकी एक्सपर्टीज़ अलग होती है। फिर लिंक बिल्डिंग टूल्स होते हैं जिससे आप मुख्तलिफ लिंक्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन डेप्थ टेक्निकल SEO टूल्स भी अवेलेबल हैं जिनको आप हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हैं कौन सा टूल जो है वो आपके लिए बेहतर है या आपको कंफर्टेबल है या आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स दे देता है। तो उसके बाद रैंक ट्रैकिंग टूल भी आपको होते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि इस वक्त आपकी जो वेबसाइट है वो किस लेवल पर बैठी हुई है सर्च इंजन्स पर। तो ये रैंक ट्रैकिंग आपको हेल्प करती है आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी के लिए। फिर इसी तरह एनालिटिकल टूल्स हैं जो कि सेम इसी तरह आपको स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स दे रहे होते हैं आपकी वेबसाइट के मुतालिक, आपके कॉन्टेंट्स के मुतालिक, जिसके बाद आप अपनी नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो डेवलप करते हैं। फिर इसमें एक बहुत अहम चीज़ जो आती है, क्योंकि बहुत सारे जो मैक्सिमम बिजनेसेस होते हैं वो एक महदूद जियोग्राफिकल एरिया में काम कर रहे होते हैं, तो इसमें एक जो चीज़ अभी इमर्ज होती जा रही है और इसमें मज़ीद एक्सपर्टीज और टूल्स आते जा रहे हैं, दैट इज़ लोकल SEO, वो आपको आना चाहिए। उसकी वो भी एक्सपीरियंस और टूल्स उसके भी अवेलेबल हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोकल SEO कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और नए और पुराने टूल्स के कॉम्बिनेशन से, इन तमाम टूल्स के कॉम्बिनेशंस और आपके पास एक्सपीरियंसेस से आप बेस्ट सर्विसेज देते हैं अपने क्लाइंट्स को या अपने खुद अपनी जो आपकी वेबसाइट है जिसके लिए आप ट्रैफिक लाना चाह रहे हो थ्रू ऑर्गेनिक मीन्स जो कि ये सर्च इंजन वगैरह हैं। तो आज सबसे पहली चीज़ हम थोड़े से टूल्स को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड्स और फ्रेजेस सबसे अहम है किसी भी SEO के लिए। आपकी वेबसाइट जो कीवर्ड्स यूज़ कर रही है, जो आपकी निश क्रिएट हो रही है, वो आपके कीवर्ड सिलेक्शंस के ऊपर हो रही है। हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों मिलियंस की तादाद में सर्च क्वेरीज डेवलप जनरेट होती हैं मुख्तलिफ सर्च इंजन्स में, और उनमें कीवर्ड्स जो है उनको सर्च करना, उनको अपने तरीके के साथ और इन टूल्स की मदद से उनको इम्प्लीमेंट करना, ढूंढना
और फिर उनको आगे जाके जो टेक्निकल या दूसरे टूल्स हैं ऑन पेज एसईओ टूल्स हैं उनकी मदद से उनको प्लेस करना राइटली, तो वो ये सारा कॉम्बिनेशन बनता है आपका। तो ये स्टार्ट होता है आपका कीवर्ड सर्च टूल्स। तो कीवर्ड सर्च टूल्स में कुछ टूल्स का मैं जिक्र करूँगा यहाँ पर जो आपको मदद देंगे। पहले तो ये इस किस्म की वेबसाइट आपको मिलेंगी जहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होते हो ना, जैसे बहुत सारी ऐसी आपने देखा होगा कि गूगल में जब आप कोई कीवर्ड लिखते हैं तो वो खुद उसको आगे फ्रेज की शक्ल देता है, क्वेश्चंस की शक्ल देने की कोशिश करता है, कुछ ऐसी फ्रेजेस बनाने की कोशिश करता है। तो वो फ्रेजेस कैसे बन सकते हैं, वही एक्चुअली अब जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं फ्रेजेस हैं वो उन्हीं की मदद से डेवलप होते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर वेबसाइट्स हैं जिसमें कि आंसर द पब्लिक डॉट कॉम जो आपको नज़र आ रही, ये इसको आप चेक कीजिए, ये आपको मदद देगा आपकी कीवर्ड्स को क्वेश्चंस बनाने में, और क्वेश्चन जो कि गूगल ऑटो फिल करता है, ऑटो कंप्लीट करने की कोशिश करता है जो तो ये वेबसाइट जो है ना ये आपको क्वेश्चनिंग और आंसरिंग की मदद देगी। ये लिंक बिल्डिंग भी कर सकती है क्योंकि आप इस किस्म की जो और क्वेश्चन आंसर वेबसाइट्स होती हैं उसमें आप अपने ही क्वेश्चंस अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स जो आपके हैं वेबसाइट पर उसके मतलब क्वेश्चंस वगैरह बनाते हैं और फिर खुद ही आंसर्स वगैरह देते हैं, तो वो उससे एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी बिल्ड होती है। लेकिन मैं यहाँ वो बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं वो बात कर रहा हूँ कि आपने जो फ्रेजेस क्वेश्चंस बनाने हैं वो ये वेबसाइट आपको मदद करेगी कि किस तरीके से आपने फ्रेज आप बना सकते हैं जो कि कॉमनली यूज़ हो रहा है गूगल ऑटो कंप्लीट जो रिजल्ट्स आते हैं उनमें उनके लिए। तो ये इसको आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप मज़ीद इसको सीखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि गूगल के अपने टूल जो कीवर्ड्स के लिए, इसमें सबसे अच्छा और जो मेरा जिसमें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा उसको यूज़ करता हूँ कीवर्ड्स वगैरह सर्च करने के लिए, दैट इज़ गूगल कीवर्ड प्लानर। और ये आपको आप कोई भी इसको एक कीवर्ड वगैरह दे देंगे तो ये उससे उसके कीवर्ड जनरेट करके ले आएगा और उन कीवर्ड्स के मुताबिक का आपको एनालिसिस भी देगा कि उनकी मंथली सर्चेज क्या हैं या उसकी डेंसिटी क्या है या क्या उसकी पॉपुलैरिटी लेवल जा रहा है। तो वो सारा आपको बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आपको मदद वो अच्छे कीवर्ड पॉपअप होते रहेंगे और आप उनको नोट डाउन करते रहें जो आपने अपनी वेबसाइट में अपने आर्टिकल्स में यूज़ करने हैं अपनी वेबसाइट को गूगल में या दूसरे सर्च इंजन्स में ऊपर लाने के लिए। तो ये गूगल कीवर्ड टूल आपने यूज़ करना है। इसके बाद एक और टूल है ए हर्फ का, यानी कि ए हाइपर रेफरेंस कीवर्ड जनरेटर। ये भी इसमें दोनों सर्विसेज हैं, कुछ पेड भी हैं कुछ फ्री भी हैं। ये आपको तकरीबन 100 कीवर्ड्स बड़े अच्छे कीवर्ड्स डेवलप करके दे देता है जो आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट वगैरह में या आर्टिकल में यूज़ करें तो डेफिनेटली इट विल। और इसमें भी यही है कि ये एक बड़े अच्छा एनालिसिस दे देता है टॉप 100 कीवर्ड्स आपको, जिससे इसमें यहाँ तक इसके वॉल्यूम भी बता देता है कि सर्च वॉल्यूम क्या है, फिर उसके लास्ट अपडेशन कब हुई है इस फ्रेज की इस कीवर्ड की गूगल के अंदर या किसी दूसरे सर्च इंजन के अंदर। फिर एक और टूल है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स भी आपको आने वाला ट्रेंड और पिछला ट्रेंड आप देख सकते हैं कि क्या किन कीवर्ड्स का किन टॉप टॉपिक्स का ट्रेंड चल रहा है और कौन सा टॉपिक इंक्लाइन कर रहा है या डिक्लाइन कर रहा है, वो सारा ट्रेंड आपको पता लगेगा इस टूल की मदद से। ये नहायत अच्छा और इफ़ेक्टिव तो टूल है, क्यों आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए तो आपकी वेबसाइट भी उन ट्रेंड्स को जब फॉलो करेगी तो वो ज़रूर बबल अप होगी ऊपर। इसके बाद है एक और बड़ा अच्छा कीवर्ड का जनरेटर है कीवर्ड, ये जो आपको नज़र आ रहा है कीवर्ड, ये भी आपको अच्छे कीवर्ड सर्च करके देगा, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड, मैंने वही कहा कि कीवर्ड टूल्स बेशुमार हैं, ये देखना है कि आप किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं किस टूल के साथ और प्लस कौन सा टूल आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स देता है।
अब आप मुख्तलिफ, ये मैंने बताया, इसीलिए मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि ये एक्सपीरियंस है। आप कई लोग कहेंगे कि हमने जी गूगल कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड सर्च किए तो हमारी वेबसाइट अच्छी आ गई, और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमने कोई और टूल इस्तेमाल किया तो उससे जो कीवर्ड्स मिले थे तो उससे हमारी, तो ये एक कंप्लीट एक डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, और वो हैं हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है और वो होता है। लेकिन ये है कि आप इनको यूज़ करें कभी किसी वेबसाइट के लिए, किसी टूल को यूज़ कर लें तो आपको एक अच्छा ऑब्जर्वेशन डेवलप होती जाएगी कि कौन इफेक्टिव है कौन नहीं है। इसके बाद एक और है, ये भी आर्टिकल राइटिंग के लिए, कि जब आप आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो आपको कुछ फ्रेजेस चाहिए होते हैं, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जुमले चाहिए होते हैं जो अगर आप अपनी वेबसाइट में यूज़ करें तो आपकी वेबसाइट जो है वो ऊपर आएगी। गूगल का एक टूल है, गूगल की एक सर्विस है जो पीपल आल्सो आस्क, जो PAA क्या होता है, जिसमें गूगल वो बॉक्सेस होते हैं उसमें देखते हैं कि ये गूगल कई लोगों ने ये चीज़ भी पूछी, तो गूगल ये तो उसके वो जो चीज़ें हैं ना वो बड़ा फ़ायदे देती हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको एक और बताता हूँ कि जो गूगल में जब आप कोई सर्च करते हैं ना तो सबसे नीचे कुछ आल्सो पीपल आल्सो सर्च के कुछ फ्रेजेस आ जाते हैं, वो आपको बहुत मदद देते हैं। वही फ्रेजेस आप एग्जैक्टली उठा लें और अपनी वेबसाइट्स के अंदर यूज़ करें, अपने आर्टिकल्स के अंदर यूज़ करें, तो वो आपको काफ़ी मदद देंगे, आपकी अच्छी कीवर्ड पोजीशनिंग, आपकी वेबसाइट जो है वो फौरन इंडेक्स होगी उन कीवर्ड्स के हवाले से। तो ये जो आल्सो आस्क डॉट कॉम की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी आपको फ्रेजेस डेवलप करता है, आपको एक क्वेश्चन के बाद मजीद एक, ये पूरा माइंड स्केप, पूरा एक जो माइंड का लैंडस्केप होता है वो डेवलप करके देता है कि इस क्वेश्चन के आगे ये क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, उसके आगे सब डिवीजन करता जाता है, तो वो आपको बहुत मदद देते हैं, ख़ास तौर पे जो आर्टिकल राइटर्स हैं, जो कंटेंट राइटर्स हैं, जो SEO के लिए कंटेंट लिखते हैं और ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए ये टूल बहुत ही कारामद है। इसके बाद एक और है, गूगल का अपना क्रोम जो है, गूगल क्रोम जो ब्राउज़र है उसकी एक्सटेंशन है कीवर्ड सर्फर, ये इंस्टॉल कर लें अपने क्रोम के अंदर, और ये जो मैंने खोली, ये आपको ना जब भी आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको उस कीवर्ड का मज़ीद इंफॉर्मेशन देगा, साइट पे एक कॉलम बन जाएगा जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप SEO को बेसिक्स समझते हैं तो वो आपको बहुत अच्छी मदद देगा कीवर्ड्स को एनालिसिस करने के लिए, कि ये सर्विस, ये तो मेरा कहता हूँ कि हर डिज़ाइनर हर डेवलपर के जो गूगल क्रोम का जो ब्राउज़र है उसमें ये होना चाहिए, ये टूल अवेलेबल। तो ये आपको काफ़ी, ये फ्री है, इसको आप इंस्टॉल कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ये 4-5 टूल मैंने नोट डाउन किए थे कीवर्ड सर्च के लिए, इनके अलावा और भी बेतहाशा हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ है, मेरे जो SEO एक्सपर्ट्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं मेरे साथ काम करते हैं, उनका एक्सपीरियंसेस इन टूल्स के साथ है, तो इसलिए मैंने ये 7 कीवर्ड सर्च के टूल आपको आज बताने थे। तो ये चीज़ें, ये आप नोट कर लें, ये अच्छे हैं और इनको इस्तेमाल करें, हर किसी का, आपका, आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो वो आपको, जो भी आपको आपकी वेबसाइट को मदद दे रहा है ऊपर आने में, वो सबसे बेहतर है। ठीक है, तो ये इसके बाद जब नेक्स्ट करेंगे तो हम फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑन पेज SEO टूल को अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज इसमें, इस एपिसोड में हमने कीवर्ड सर्च टूल्स को डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे और इनको आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट्स में हमें बताएंगे, या अगर आपको मज़ीद कोई और अच्छे टूल्स का पता है जो कि ऑनलाइन हैं कीवर्ड्स के हवाले से, तो
तो वो भी नीचे कमेंट्स में आप लिखें, जो हमारे सुनने वाले देखने वाले हैं वो आपको कमेंट्स में भी आपसे वो हेल्प ले लेंगे कि ये वाले टूल्स भी आजमा लेंगे, तो मुझे भी पता लग जाएगा। और तो इट्स अ म्यूचुअल एक फोरम है जिसमें सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, तो इनको इस्तेमाल करिए। मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर लें ताकि अगली आने वाली जो वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।